हेलो गाइस, मैं अंकित, आपका दोस्त और होस्ट, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक धमाकेदार मज़ेदार मैच का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये मैच किसी मूवी से कम नहीं था, तो चलो देखते हैं इस मैच के हाइलाइट्स एंड रिव्यू। टॉस जीतकर रोहित ने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। आरसीबी ने 3 चेंजेस किए थे, फिलिपे, स्टीन, यादव आउट, जंपा उड़ाना और गुरप्रीत इन। वहीं मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को चांस दिया तिवारी के जगह। फिंच ने आरसीबी की इनिंग्स की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन तरीके से की। फिंच ने चौके लगा दिए बोल्ट और पैटिनसन को। फिंच काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे। चहर के पहले ही ओवर में 3 शानदार चौके लगा दिए। फिर अटैक में आए बुमराह और बुमराह के आते ही पड़ीकर ने 2 चौके लगा दिए। आरसीबी ने पावर प्ले खत्म होते होते 59 रन्स बना लिया। मुंबई के बॉलर्स ने काफ़ी ईजी लाइन एंड लेंथ दिए एरन फिंच को, जिसका उन्होंने बहुत एडवांटेज लिया। फिंच ने अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन बोल्ट ने जल्दी ही फिंच को 52 पे आउट कर लिया। फिर बैटिंग के लिए आए कोहली, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे चहर के बॉलिंग के अगेंस्ट, और चहर ने 3 रन पे कोहली को आउट कर लिया। आरसीबी का रन रेट थोड़ा कम हो गया। अब बैटिंग करने आए थे एबी, और पड़ीकर ने बैटिंग का चार्ज ले लिया था। वह चौके और छक्के लगा रहे थे। पड़ीकर ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और वापस बोल्ट ने एक और झटका दे दिया आरसीबी को, पड़ीकर को 50 पे आउट कर लिया। आरसीबी का स्कोर हो गया 164/3 इन 18 ओवर्स। अब 200 रन थोड़े मुश्किल लग रहे थे आरसीबी को, लेकिन एबी अपने फुल फ्लो में थे। एबी और दुबे जो बैटिंग करने आए थे, उन्होंने बुमराह और पैटिनसन को कूटना चालू कर दिया और लास्ट 5 ओवर में ऑलमोस्ट 80 रन्स बना लिए। आरसीबी ने एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स 201 रन बना लिए। काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की फिंच, पड़ीकर और एबी डिविलियर्स ने। वहीं मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने काफ़ी ईजी लाइन एंड लेंथ दी आरसीबी के बॉलर्स को। लास्ट 5 ओवर में 78 रन्स स्कोर किए आरसीबी ने। मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। रोहित ने पहले ओवर में उड़ाना को 1 6 तो लगा दिया, लेकिन अगले ही ओवर में सुंदर को अपना विकेट दे बैठे, और उसके अगले ही ओवर में उड़ाना ने यादव को भी आउट कर लिया 0 पे। अब क्रीज पे आए ईशान किशन और डीकॉक के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाने लगे। बैंगलोर ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की पहले 6 ओवर में, और मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 35 रन्स बना लिए पावर प्ले में। वॉशिंगटन सुंदर ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की दोनों ही लेफ्टी बैट्समैन को, और कोई भी रूम नहीं दी एक्स्ट्रा रन स्कोर करने की। फिर अटैक में आए चहल और डीकॉक एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चहल को अपना विकेट दे बैठे। मुंबई इंडियंस 58/3। अब क्रीज पे थे हार्दिक पांड्या। पांड्या ने आते ही 1 6 लगा दिया, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में झंपा को अपना विकेट दे बैठे। मुंबई इंडियंस 79/4, और मुंबई की टीम बहुत बड़े ट्रबल में। अब क्रीज पे थे पोलार्ड, जो कि एक डीजल इंजन है जो शुरू होने के लिए काफ़ी टाइम लेते हैं। वैसे ही पोलार्ड काफ़ी बॉल ले रहे थे सेटल होने के लिए, और मुंबई इंडियंस को लग रहा था कि शायद मैच हाथ से निकल ना जाए। लेकिन ईशान किशन अब अटैकिंग मोड में आ गए थे और चौके और छक्के लगा रहे थे। ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी कर ली और मुंबई इंडियंस के 100 रन भी पूरे हो गए। अब मुंबई इंडियंस को 4 ओवर में 80 रन की ज़रूरत थी, और पोलार्ड एक्टिव हो गए थे। पोलार्ड ने पहले एक चौका लगा दिया झंपा को, फिर एक बड़ा शॉट खेल दिया, लेकिन पवन नेगी ने बाउंड्री पे पोलार्ड का कैच छोड़ दिया और वो 6 चला गया। और उसके बाद पोलार्ड ने जो धुलाई शुरू कर दी, झंपा के ओवर में 27 रन ले लिए। उसके अगले ओवर में चहल को 22 रन मार दिए। पोलार्ड और ईशान किशन ने मिलकर 2 ओवर में 49 रन ले लिए थे। अब मुंबई को लास्ट ओवर में 19 रन की ज़रूरत थी, और बॉलिंग करने आए उड़ाना, जिन्होंने पहले 2 बॉल तो काफ़ी अच्छे डाल दिए जहाँ सिर्फ सिंगल जाए, लेकिन बाद में ईशान किशन ने बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगा दिए, और ऐसे लगने लगा कि ईशान किशन टीवाटे के जैसे मुंबई इंडियंस को मैच जिता देगा। लेकिन हाँ, दिल टूट गया। ईशान किशन ने एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पे कैच आउट हो गया। लेकिन स्ट्राइक पे आ गए थे पोलार्ड। मैच जीतने के लिए 5 रन की ज़रूरत थी, और पोलार्ड ने लगा दिया 1 चौका, और मैच टाई हो गया। और अब मैच टाई तो सुपर ओवर। अब सुपर ओवर में मुंबई से बैटिंग कर रहे थे पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। यह ऐसे लगा था शायद ईशान किशन आएंगे, लेकिन आ गए पांड्या। वे बैंगलोर के लिए बॉलिंग कर रहे थे नवदीप। नवदीप ने काफ़ी बेहतरीन 2 बॉल्स किए जहाँ पहले सिर्फ सिंगल ही आए, और एक फिर डॉट बॉल डाल दिया पोलार्ड को, लेकिन पोलार्ड ने फिर एक बड़ा चौका लगा दिया। लेकिन नवदीप ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया और पोलार्ड को एक बड़े शॉट के चक्कर में आउट कर लिया।
और आखिरी बॉल में भी सिर्फ एक रन दिया। मुंबई इंडियन ने टारगेट दिया बैंगलोर को 8 रन का। बैंगलोर से बैटिंग करने आए कोहली और एबी डिविलियर्स और मुंबई से बॉलिंग कर रहे थे बुमराह। बुमराह ने काफ़ी अच्छे पहले 2 बॉल डाल दिए जहाँ सिर्फ 2 रन आए और तीसरा बॉल भी डॉट कर लिया, लेकिन चौथा बॉल एबी ने चौका लगा दिया और फिर विराट कोहली ने लास्ट बॉल पे एक अच्छा सा शॉट मार के बैंगलोर को मैच जिता दी और इसी तरह बैंगलोर ये मैच जीत गया सुपर ओवर में। बात करें रिव्यू की तो बैंगलोर ने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की, स्पेशली पड़ीकर, फ्लिंच और ए बी डी विलियर्स ने, तीनों ने मिलकर काफ़ी शानदार 50s लगाए। पड़ीकर और फ्लिंच की जो ओपनिंग पार्टनरशिप वो तो काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन ए बी ने डेप्थ ओवर्स में काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की। अगर बात करें बॉलिंग की तो उनकी स्पिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर की। प्रॉब्लम की अगर बात करें तो उनके पेस बॉलर्स काफ़ी रन दे रहे हैं डेप्थ ओवर्स में और उनको फील्डिंग के भी काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुंबई की बात करें तो इट वॉज ऑल ईशान किशन एंड पोलार्ड, दोनों ने जो बेहतरीन बैटिंग की है, जो चेस में कंपोजर दिखाया है और जो शॉट्स खेले बेहतरीन। प्रॉब्लम की बात करें तो बॉलिंग, स्पेशली बुमराह जो कि यॉर्कर को जाने जाते हैं, लेकिन डेप्थ ओवर में एक भी यॉर्कर नहीं डाला। एंड ऑफकोर्स अदर बॉलर्स, उन्होंने भी ज़्यादा विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की। बात करें बैटिंग की तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन फेल हो रहे हैं और मुंबई इंडियंस को बैटिंग के लिए कुछ नया प्लान सोचना होगा। सो गाइज, ये था मैच रिव्यू एंड हाईलाइट्स ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेज मुंबई इंडियंस। काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार मैच थी ये, और इतने बेहतरीन मैच और सुपर ओवर जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जंप कर लिया है 3rd पोजीशन पर और मुंबई इंडियंस आ गई है 5th पोजीशन पर। गाइज थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद लॉट ऑफ IPL वीडियोज, लॉट ऑफ मैच रिव्यूज़। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।